हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? क्या कर आज मेरे जी कपड़े प्रेस करने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं सारा दिन कपड़े प्रेस करूँगी। और ये मैं ना कल हानिया लोगों के लिए लेके आई थी, उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी। तो नैनू कहता था बार बार, मम्मा वीडियो बनाओ, मम्मा वीडियो बनाओ। मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ी देर तक बनाते हैं वीडियो। फिर मैंने सोचा चलो बना दूँ। आज हमने सारा दिन क्या करना है, कपड़े प्रेस करने हैं। और जी आलू वाले आज हमारे घर में पराठे बनेंगे, आलू वाले पराठे बनेंगे। दोपहर में साथ में रायता बनेगा। और हमारे घर शीरो आई हुई है, वो बहुत नीचे शोर कर रही है और मैं नीचे नहीं हूँ। वो रोटी मांग रही थी, और जब भी वो आती है रोटी चाय पी के जाती है, लेकिन आज मैं नीचे नहीं हूँ इस वजह से वो बार बार कह रही है। लेकिन सासू माँ कह रही हैं कि अभी मैंने खाना नहीं बनाया, हमने सालन नहीं बनाया, इस वजह से हम जब बनाएंगे थोड़ी देर वेट करो फिर खा लेना, खा के चली जाना। वो कह रही है नहीं मैं खा के जाऊंगी। और जी ये नैनू की चीज़ें हैं, नैनू ने यूज़ करनी है, नैनू यूज़ करेगी फिर आपको बताएगी कि इसका रिज़ल्ट क्या है, और इस शैम्पू का रिज़ल्ट क्या है, और इसके पाउडर की खुशबू कैसी है, और इसके परफ्यूम बॉडी स्प्रे की खुशबू कैसी है। जैसे यूज़ करेगी नैनो फिर मैं बताऊंगी। नैनो को फेयर एंड लवली तो नहीं लगानी, वो तो मैं अपने लिए लेके आई थी। और बाकी चीज़ें नैनो की हैं, अभी इनकी थोड़ी सी चीज़ें रहती भी हैं, वो भी लेके आऊँगी। इस दफ़ा बजट इतना था कि मैं इतनी ही चीज़ें लेके आई, जैसे नेक्स्ट टाइम और चीज़ें लेके आऊँगी। साथ में अब रात दोपहर में बनाएंगे हम पराठे। और अब्बास साहब शॉप पे गए हुए हैं, हमारे घर आज लाइट नहीं है, सुबह से गई हुई है 7 बजे से और अभी तक आई नहीं है लाइट। और हम मेरा नूर, आई मिस यू, मैं आप लोगों को मिस कर रही थी। मैंने कहा मेरी नूर और मेरा होती तो कितना मज़ा आता, लेकिन अब हम जाएंगे नूर के पास भी, हुमैरा को फ़ोन करेंगे, बात करेंगे हुमैरा से। नहीं जी, मैंने रोटी बना ली है और इसके ऊपर मैं आलू का मसाला इसके ऊपर सारा रख लूँगी, ऐसे रख के मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा दूँगी। मैं इसके अंदर थोड़ा सा मक्खन भी ऐड कर लेना, ताकि आलू और पराठा अंदर से सॉफ्ट हो, ये ना हो कि बस ऊपर से वो अच्छा लगे और बाहर से बस क्रिस्पी क्रिस्पी हो, अंदर से आलू का कोई जायका ही ना आए। मक्खन लगाने से अंदर आलू का भी बहुत अच्छा जायका आता है। ये ले जी, मैंने मसाला अंदर रख के इसे जोड़ लिया। अब मैं तवे पे डालती हूँ और साथ में आपको बना के दिखाती हूँ। कैसे बनते? हाँ जी, कैसे बनता पराठा? हाँ ना, मूली वाला पराठा मांग रही है अभी, लेकिन मूली का मौसम नहीं है। ये ले जी, मैंने पराठा तवे पे डाल दिया, तवे की बिल्कुल स्लो आंच है। अब मैं पराठे की साइडों पे ऑयल लगा दूंगी, घी लगा दूंगी। अगर आपके पास घी है तो घी लगा दें, ऑयल है तो ऑयल लगा दें, वो आपकी मर्जी है। अब इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके देखना, ताकि मेरा पराठा आपस में सारी साइडों से तवे से अलहदा हो गया मेरा। क्या मेरा? और जब ये थोड़ा सा ऊपर से पकने लग जाएगा तो तब मैं इसको साइड से चेंज कर दूंगी। क्या आपका मेरा? ये पराठा आपका है? हाँ जी, मेरी हानिया का पराठा जी, मेरी हानिया का पराठा। अब मैं इसके ऊपर मज़ीद घी लगाने लगी हूँ, और बिल्कुल स्लो आंच है। जितनी स्लो आंच होगी उतना ही पराठा जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। ये देखिए, ये दूसरी साइड से हो गया पराठा। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन भी लगाऊंगी, ताकि मक्खन की खुशबू भी आए और
जब मेरा पराठा रेडी हो जाएगा तब मैं इसके ऊपर मक्खन भरवा दूँगी। हानिया बेटा साइड पे जाओ, पराठा है घी में बिना लग जाए। ये देखते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह पराठा हो गया है जी रेडी। अगर आपका एक साइड से नहीं बन रहा तो आपने ऐसे फोल्ड करके उसे दोनों साइडों से बनाना है ताकि आपका पराठा क्रिस्पी बने। माशाल्लाह हमारे घर में काफ़ी पराठे बनने हैं, मुझे थोड़ी देर लग जानी है। मैं आपको बस ये एक बना के दिखा रही हूँ। आपने इसके अंदर आलू का मसाला बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं मसाला लगाना। आप मसाला हिसाब से लगाना, ज़्यादा लगाएंगे तो वो पराठा अच्छा नहीं लगेगा। बस वो लगेगा कि ऐसे। अब दोनों चीज़ों का इक्वल सा मैंने रखा है। अब मैं पराठे को प्लेट में उतारूँगी। ये जी मैंने प्लेट रख ली है। अब मैं प्लेट में निकालती हूँ और इसके ऊपर मैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। अब इसके ऊपर मैं हल्का सा मक्खन लगा के हानिया को देने लगी हूँ। ये जी मेरी नैन का पराठा है और मैं अभी बाकी सारे लोगों के लिए पराठे बनाने हैं। सना लोगों के लिए बनाने हैं। ये जी माशाल्लाह मैं आपको एक तरफ से खोल के दिखाती हूँ। गर्म बहुत है। दफ़ा खोल के आपको पर दिखाती हूँ। ये देखें जी मसाला इसके अंदर जो है। और कुछ लोग पराठे को खोल के खाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं, पराठे को बिल्कुल ऐसे ही खाते हैं। अच्छा जी चलें ठीक है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक। हाँ जी हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।